राइट नाउ मैं ऋषिकेश और इसे ऋषिकेश के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ऋषिकेश इज नोन एज द योगा कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इसे चार धाम का गेटवे भी कहते हैं। तो अगर आपका चार धाम जाने का कोई प्लान बन रहा है जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ तो डू कम हियर विजिट। एंड मैं अपनी वीडियो की शुरुआत गंगा मैया के दर्शन से कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने गंगा मैया का दर्शन लिया मैं भी रुक गया ताकि मैं इनको श्रद्धांजलि दे पाऊँ। एंड सो ऋषिकेश आए तो आप दो तीन जगह जरूर जाएं, मस्ट वॉच। फर्स्ट थिंग है राम झूला, सेकेंड लक्ष्मण झूला एंड थर्ड गंगा आरती। सो आई विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स। ऋषिकेश दर्शन में हमारा पहला स्टॉप है ये राम झूला, और राम झूला ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस शहर का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये मुनि की रीति इन गढ़वाल्स को जोड़ता है स्वर्ग आश्रम इन पौड़ी गढ़वाल। सो आइए मैं दिखाता हूँ। मैं इस वक्त गंगा बीच के किनारे बैठा हूँ और ये इस शहर का सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है। यहाँ पे आप ये राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच में पड़ता है, यहाँ पे आप आकर के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो वी हैव रीच्ड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज लक्ष्मण झूला। वैसे तो राम झूला और लक्ष्मण झूला देखने में बिल्कुल सेम है बट इन दोनों की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग है। ये पौरी और टिहरी को जोड़ता है बट दो अलग लोकेशंस पे, और इसे 1930 में कंप्लीट किया गया था जब उससे पहले की जो ब्रिज थी वो पहाड़ी भीषण बाढ़ की वजह से टूट गई थी। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको लक्ष्मण झूला पे। सबसे अच्छी बात यही है कि ये शहर दिन में जितना ही एडवेंचरस होता है शाम होते ही इतना स्पेशल हो जाता है। दिन में आप यहाँ पे हर तरह की एडवेंचर कर सकते हैं जैसे रिवर राफ्टिंग, क्लिफ जंपिंग, बंजी जंपिंग, और शाम होते ही ये शहर बिल्कुल आध्यात्मिकता में डूब जाता है। अभी मैं ऋषिकेश की बहुत ही फेमस त्रिवेणी घाट पे हूँ और यहाँ पर गंगा आरती चालू है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ आइए और गंगा आरती का मजा उठाइए। Oh,
शाम में देखा होगा राम झूला और लक्ष्मण झूला को, अब मैं दिखाता हूँ रात में कितना खूबसूरत लगता है ये।